तो दोनों के बीच बातचीत का दौर कई बार चला है, लेकिन पेच कहां पर अटक रहा है, ये सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। राजन शर्मा मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, बैठक बुलाई गई है सरकार की तरफ से, क्या कुछ बैठक में हो रहा है, शुरू हो गई है बैठक? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 यूनियन है रोडवेज की और 8 के 8 यूनियन जो है उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कृष्णलाल पवार जो रोडवेज परिवहन मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुप्रभात दहिया हैं, इनके अलावा भूपेंद्र सिंह जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा सुधीर राजपाल जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस मीटिंग से पहले जो ये अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली कृष्णलाल पवार ने, परिवहन मंत्री ने, कि किस तरीके से एक बीच का मसौदा निकाला जाए, बीच का एक ऐसा खाका तैयार किया जाए जिस पर आकर दोनों पक्ष सहमति बना सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि सरकार भी ये कह रही है कि जो निजीकरण किया जा रहा है वो जनता के हित में है, और जबकि जो रोडवेज यूनियन है वो भी लगातार ये कह रही है कि जो निजीकरण है उसमें जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि 29 के करीब ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जो खत्म हो जाएंगी निजीकरण अगर होता है तो। इसके अलावा जो रोजगार मिलता है आम जनता को वो भी खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और एक बीच का जो रास्ता निकालने की लगातार बात हो रही है, वो अब देखना होगा कि किस तरीके से एक ऐसे बीच के पॉइंट पर पहुंचा जाता है जिस पर दोनों पक्ष अपनी सहमति जता दें। बिल्कुल राजन, क्या किसी रोडवेज कर्मचारी या यूनियन के किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है मीटिंग से पहले? क्या कुछ खाका उनकी तरफ से आज सरकार के सामने रखा जाएगा, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए जो रोडवेज के 8 यूनियन के यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हर बार आश्वासन देती है सरकार, लेकिन उसके बाद जो मीटिंग के बाद निकलने के बाद फिर से वो बातें जो हैं, जो बातें मीटिंग के अंदर की जाती हैं, वो सारी की सारी दरकिनार कर दी जाती हैं, वो बातें पीछे छूट जाती हैं। तो इस बार कम से कम रोडवेज यूनियन जो है वो यही कह रही है कि जो बात होगी सरकार के साथ लिखित में आश्वासन लिया जाएगा, और इसके अलावा निजीकरण की जो बात कह रही है सरकार उसको बिल्कुल वापस ले, फैसला तभी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में बातचीत हो पाएगी। बिल्कुल राजन, क्या आज हड़ताल खत्म हो सकती है, इस पर कोई अपडेट? जी देखिए, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को, कल सबसे पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि एक सांकेतिक हड़ताल होगी, और उसके बाद फिर से ये बात कही गई थी कि अगर सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं होती है तो ये जो हड़ताल है सांकेतिक हड़ताल वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। तो आज कहीं ना कहीं शायद इसी बिल्कुल तो बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लगातार जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बात बन जाए। राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।